नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और एसपीएल लाइव लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे उन युवा साथियों के लिए है जो बेरोजगारी की दहलीज पर खड़े हुए हैं। दूर दूर तक कहीं नौकरी नहीं है, उनके समझ में नहीं आ रहा है आखिर वो करें तो क्या करें, कौन सा काम करें जिससे उनकी लाइफ सेट हो जाए। अगर कोई काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 35 यानी 35 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं। कहने को तो वो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आपने दिल लगाकर किया तो उनसे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। शायद आपको पता न हो, हमारे देश में एक चाय की दुकान है, कॉफी कैफे डे, जिसे सीसी डे के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चाय की दुकान है। उसकी जितनी एक दिन की इनकम होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की नहीं होती। इसीलिए कहता हूं, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस करने का लेवल क्या है ये छोटा बड़ा होता है। अब आप उस बिजनेस को किस लेवल से करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार ये पूरे 35 बिजनेस आइडिया जरूर देख लें, कहीं ऐसा न हो कि जो बिजनेस आप कर सकते हैं वही आप ना देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एक ऐसा पेशा है जिसका क्रेज लोगों के बीच हर जमाने में बना रहा है। बीते हुए कुछ सालों से भारत में भी युवाओं के बीच नौकरी को छोड़कर स्टार्टअप या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की प्रवृत्ति काफी देखी गई है। आखिर हो भी क्यों ना, दूसरों के अंडर काम करने की बजाय अगर खुद अपनी कंपनी का बॉस बनने का मौका मिले तो कौन ऐसे मौके को छोड़ेगा। लेकिन बिजनेस में जितनी आजादी और जितना कमाई होती है, उससे कहीं ज्यादा उसमें मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। और फिर बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस में सीधे पैसा लगाने की बजाय छोटे बिजनेस से शुरुआत करनी चाहिए। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताते हैं जिन्हें काफी कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। नंबर एक पर है ट्रेवल एजेंसी। जब से भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, ट्रेवल एजेंसी बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस बिजनेस की खासियत यह है कि इसमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो इसे आप घर से ही चला सकते हैं। नंबर दो, मोबाइल रिचार्ज शॉप। आज भले ही ऑनलाइन और वॉलेट के जरिए रिचार्ज करने का ऑप्शन आ गया है, लेकिन भारत में अधिकतर लोग अभी भी रिचार्ज शॉप से ही फोन रिचार्ज करवाना पसंद करते हैं। तो जो भी इस बिजनेस में इच्छुक हैं, वो कहीं भी एक छोटी सी दुकान लेकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई और ऑनलाइन सर्विस को भी अपनी दुकान से शुरू कर सकते हैं। नंबर तीन, नाश्ते की दुकान। ये तो सदाबहार बिजनेस है, इसे कहीं भी किसी भी शहर के कोने में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको ग्राहक भी नहीं तलाशने पड़ेंगे। एक बार आपकी दुकान के बारे में लोगों को पता चला तो वे आपके यहाँ दौड़े चले आएंगे, वसरते आपकी दुकान का सामान अच्छा होना चाहिए। इसमें भी काफी कम पैसों की जरूरत पड़ती है। नंबर चार, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको पैसे कमाने हैं तो ट्यूशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाकर इसे संगठित तरीके से शुरू कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे शुरू करने में आपको न के बराबर पैसों की जरूरत पड़ेगी। नंबर पाँच, जूस शॉप। आज तो हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और जूस को सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। इसे शुरू करने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक मशीन और थोड़े से फल के सहारे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर छः, टेलरिंग।
हर शहर में अच्छे टेलर्स की डिमांड हमेशा रहती है। अब तो डिजाइनर्स कपड़ों के प्रचलन में आ जाने के बाद खुद से सिलाई कपड़ों की मांग अधिक हो गई है और इससे मार्केट में अच्छे टेलर की जरूरत महसूस की जाती है। इसमें हालांकि थोड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये भी एक फायदे का बिजनेस है। नेक्स्ट है बेकरी शॉप। आमदनी बढ़ने के साथ ही लोगों के खान पान की आदतें भी बदली हैं और इसीलिए बेकरी उत्पादों की डिमांड बढ़ी है। पहले जहां सिर्फ बर्थडे जैसे मौकों पर ही बेकरी शॉप का रुख किया जाता था, वहीं अब स्नैक्स के लिए भी बेकरी की उपयोगिता बढ़ गई है। आप चाहें तो किसी मशहूर बेकरी चेन की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, नहीं तो खुद की भी शॉप खोल सकते हैं। इसे शुरू करने में भी बहुत अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। डिजिटल युग में ब्लॉगिंग से भी पैसे कमाए जा रहे हैं। अगर आपके पास लिखने की स्किल है तो सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगर आप बड़े स्तर पर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो खुद की वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब। आज से 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेट के जरिए करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन आज ये संभव हो गया है। YouTube पर वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, बस आपके भीतर क्रिएटिव कीड़ा होना चाहिए। भारत में हजारों ऐसे चैनल हैं जो घर बैठे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट है वेडिंग कंसल्टेंट। आज वो जमाना चला गया जब शादी की पूरी व्यवस्था घरवाले करते थे। इस भागदौड़ भरे वक्त में शायद ही किसी के पास इतना वक्त होगा कि वह इतने बड़े आयोजन को अकेले मैनेज कर सके, इसीलिए वेडिंग कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ी है। अगर आपकी रुचि कार्यक्रमों को मैनेज करने में है तो यह विकल्प आपके लिए सही साबित हो सकता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी। अगर आपकी रुचि तस्वीरों को कैद करने में है तो फोटोग्राफी में आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है लेकिन आप इच्छुक हैं तो कई सारे संस्थान इसके लिए कोर्स भी करवाते हैं। इसमें भी भविष्य बनाया जा सकता है। एक बार नाम बन जाने पर न तो पैसे की कमी होगी और न ही काम की। वेडिंग फोटोग्राफर भी आजकल लाखों रुपए वसूलते हैं। नेक्स्ट है टिफिन सर्विस। शहरों में अक्सर अकेले रहने वाले वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वे खुद से खाना बना सकें, इसलिए उन्हें टिफिन लगवाना पड़ता है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो इसे आप खुद ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत अधिक निवेश की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। यह काम ऑफिस के बाहर का है। अगर आपके भीतर नेटवर्किंग बिल्ड करने और टीम को मैनेज करने की क्षमता है तो यह बिजनेस भी काफी मुनाफा देने वाला है। इसमें आपको वेन्यू डिसाइड करने से लेकर वेंडर्स और स्पॉन्सर से मिलना होगा। यह काम 24 घंटे का होता है। यह काफी बड़ा बिजनेस है, लेकिन अगर आपका नेटवर्क अच्छा है कम पैसों से भी शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन कोर्स। अगर आपके भीतर टैलेंट है और आप पढ़ने में अच्छे हैं तो ऑनलाइन कोर्स शुरू करना अच्छा साबित हो सकता है। आज बैंक SSC से लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी ऑनलाइन कराई जा रही है। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कई करोड़ का टर्नओवर बना रहे हैं। इसे शुरू करने में नाममात्र पैसों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है सड़क किनारे किताबों की दुकान। सुनने में यह धंधा काफी छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें फायदा काफी ज्यादा है। सड़क किनारे दुकान लगाने की वजह से आपको कोई किराया नहीं देना होता और किताबें सस्ती होने की वजह से ग्राहक भी काफी मिल जाते हैं। हालांकि आपको नगर निगम या नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद आप आराम से अपनी दुकान चला सकते हैं। नेक्स्ट है घोस्ट राइटिंग। ये ऐसे राइटर होते हैं जिन्हें कुछ लिखने के लिए काम दिया जाता है, लेकिन उन्हें काम करने का श्रेय नहीं मिलता। यह फ्रीलांसिंग राइटिंग के जैसे ही हैं। इसमें भी अच्छे पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। ज्वेलरी सिर्फ सोने चांदी या हीरे की ही नहीं होती,
हमारे समाज में लंबे समय से कई तरह की धातुओं और रत्नों से गहने बनाने का चलन रहा है। मोती या मूंगे की मदद से कस्टमाइज्ड ज्वेलरी तैयार की जाती है। इसे बनाने में लगने वाला कच्चा माल काफी सस्ते में मिल जाता है। आपको बस थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग कैंपेन डेवलपर। यह पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम पर किया जाने वाला बिजनेस है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी और फिर एक वेबसाइट बनाकर अपना काम शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट है टी स्टॉल। इंडिया में किसी भी मौसम में चाय का धंधा डाउन नहीं होता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी का मौसम। चाय फॉर एवर पे है। इसे कहीं भी शुरू किया जा सकता है। कुछ बेंच और टेबल लगाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। कोई भी काम सोशल मीडिया के बिना अधूरा है। कॉरपोरेट से लेकर स्टार्टअप और सामाजिक संस्थाओं के लिए भी सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है। इसे शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग। मार्केट में ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिनके संस्थापकों ने किसी कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आज उनका ब्रांड पूरे देश और विदेश में भी अपनी पहुंच रखता है। लड़कियों के कपड़े बनाने वाली कंपनी बीबा की फाउंडर मीना बिंद्रा इसका सबसे सफल उदाहरण है। अपना खुद का फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए लगाकर शहर में एक बड़ा सा शोरूम खोल दिया जाए, बल्कि दुकानों से ऑर्डर लेकर ये काम घर से भी शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फिटनेस इंस्ट्रक्टर। फिटनेस में आपकी रुचि है और आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जिम खोलने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो YouTube या खुद की वेबसाइट बनाकर लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग। इस काम में एक बार सफलता मिल जाने के बाद आप घर बैठे भी इसे कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का दायरा काफी विस्तृत है और इसमें मौकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट है डांस या म्यूजिक स्कूल। आप संगीत या नृत्य में महारत हासिल रखते हैं तो खुद का स्कूल खोलिए और लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। संगीत और डांस सीखने में रुचि रखने वालों की कमी नहीं है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग। इसके लिए आपको मुंबई या दिल्ली जैसे शहर का रुख करना पड़ेगा। बाकी शहरों में हालांकि काम न के बराबर है, लेकिन बड़े शहरों के स्क्रिप्ट राइटर अच्छे पैसे कमाते हैं। यह भी रुचि और हाई स्किल वाला काम है। नेक्स्ट है हैंडीमैन सर्विस। घर में खराब इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने से लेकर प्लम्बर और बाकी घरेलू काम को ठीक करने का पैसा हैंडीमैन सर्विस कहलाता है। शहरों में इन कामों को जानने वालों की अच्छी डिमांड है। ये काम घर बैठे स्वतंत्र रूप से भी ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है पालतू जानवरों की देखभाल करना। बड़े लोगों के यहाँ जो पालतू जानवर होते हैं, अक्सर उनकी देखभाल करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है। अपने देश में इस पैसे के बारे में अधिक जागरूकता नहीं है, लेकिन इसमें भी भविष्य बनाने के मौके बेशुमार हैं। नेक्स्ट है रिसर्च बेस्ड बिजनेस। अधिकतर कॉरपोरेट कंपनियों के पास खुद की रिसर्च टीम होती है, लेकिन छोटी कंपनियां ये काम बाहर के लोगों से करवाती हैं। अगर आपके अंदर किसी भी विषय को गहराई से समझने की रुचि है तो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड ट्रक। आजकल हर किसी के पास समय कम है, इसलिए लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने की बजाय सड़क पर ही खाने का मजा ले लेते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए फूड ट्रक आ गए हैं। इस बिजनेस में अभी फायदे की काफ़ी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कोचिंग। इस काम को सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स को जिया हो। इसमें भी सफल होने के खूब मौके हैं। खुद की एकेडमी खोलकर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन सर्विस। अगर आपको दो या दो से अधिक भाषाओं का अच्छा ज्ञान है तो ट्रांसलेटिंग का बिजनेस काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। विदेशी भाषाओं की जानकारी आपको अच्छी जगह पर पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी सर्विस। छोटी छोटी कंपनियां नौकरी के लिए संयुक्त इंसान की खोज के लिए ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस की सेवाएं लेती हैं। इसमें अच्छा कमीशन मिलता है। नेक्स्ट है टूर गाइड। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है
जहां पर्यटन की काफ़ी संभावना है या पर्यटक आते हों तो आप टूर गाइड बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विदेशी भाषाएं सीखनी होंगी और उस जगह के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। नेक्स्ट है कार्ड मेकर। कार्ड मेकिंग का बिजनेस देश में अभी उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके लिए स्किल की ज़रूरत होगी और सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुकिंग क्लासेज। खाना बनाने का शौक़ हो और लोगों को खिलाने की ललक हो तो कुकिंग क्लासेज शुरू की जा सकती हैं। प्रोफेशनल कुक बनकर आप कुकिंग का काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये 35 बिजनेस आपको जरूर पसंद आए होंगे और इनमें से अगर एक भी बिजनेस आप अच्छे तरीके से करेंगे तो उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SPL लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।